हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कोहड़ा का फूल है, इस टाइप के अभी खिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं इस सीज़न में। चलिए इसको अच्छे से इस पीछे का पार्ट में काट लूँगी, इस अच्छे से उसके बाद वॉश करूँगी, पूरे यहाँ तक इसे कट करूँगी। इसके बाद इसका बहुत ही प्रोसेस में इसका आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, इसका पकौड़ा मैं बनाऊँगी। बहुत यूनिक तरीके से खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मार्केट में बहुत ही चीज़ें मिल जाते हैं अभी का सीज़न में। चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं काट ली हूँ। अब इसे इस तरह खोल के बीच इसे भी देखिए निकाल लूँगी और इसे मैं अच्छे से निकाल ली हूँ। अब चलिए इसे मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। सारे को मैं इस तरह कट करके रख लूँगी एक एक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे को मैं कैसे अलग कर ली हूँ। चलिए इसे मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे को अच्छे से वॉश कर ली हूँ, देख सकते हैं सब सब। चलिए मैं अब आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे मेन चीज़ में मिक्स करूँ। जैसे एक कटोरी बेसन है, आधा कटोरी मैं चावल का पाउडर लूँगी। फ्रेंड्स, आधा कटोरी चावल का आटा ले ली हूँ मैं। अब इसे मैं डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इन सबको अच्छे से मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता डालूंगी। अब देखिए फ्रेंड, ढेर सारा धनिया पत्ता मैं डालूंगी इसे। अब इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, गोल मेरा रेडी हो गया, बस इस टाइप का रखना है। चलिए मैं कढ़ाई भी मैं गर्म होने के लिए दे दी हूँ, गर्म हो चुका है। तो चलो फ्रेंड्स, एक एक करके इसे मैं डालूँगी, बस इस तरह से डीप करना है अच्छे से, इसे इस तरह से कुक कर लेना है, तेल में डालना है। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हो चुका है, अब मैं इसे पलट दूंगी थोड़ी धीरे करके। दोनों साइड से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। चलिए इसे मैं अब निकाल देती हूँ प्लेट में, देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितने मामले बने हैं। चलिए इसे मैं अब सर्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे चटनी सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं, शाम के समय नाश्ते में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते खाने में। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।